नरेंद्र मोदी करे कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो, नरेंद्र मोदी बोल रहा है। क्या है नरेंद्र मोदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिया अलायंस की बैठक कल दिल्ली में होने वाली है, कांग्रेस इस बैठक का नेतृत्व करेगी, अब तस्वीर साफ होने लगी है। लेकिन इसके पहले इंडिया अलायंस के एक धड़े या यूं कहें एक बड़े नेता के रूप में लालू प्रसाद यादव की एक गतिविधि प्रकाश में आई है और पूरी तरीके से लालू प्रसाद यादव जिस अंदाज में बयान दे रहे हैं ये वायरल भी हो रही है। क्यों, आप खुद ही सुन लीजिए। जब एक पत्रकार एक नाम लेता है तो लालू प्रसाद यादव किस तरीके से बिफर जाते हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम फिर से आएंगे। अरे रोज यही बात तुम पूछते हो, नरेंद्र मोदी बोल रहा है। क्या है नरेंद्र मोदी? यही आएगा जानते आपको, प्लाना बोल रहा हो जाए आएंगे तो उम्मीद है। हम लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिल कर लड़ेंगे, इनको हटाएंगे हम। सर बोल रहे हैं कोई सुना आपने, पत्रकारों का काम ही होता है किसी चीज को पिन करना और कहीं पर पिन करना। एक दुखती रग है इंडिया अलायंस के नेताओं की और वो नाम उस रिपोर्टर ने ले लिया, पूछा नरेंद्र मोदी। जैसे ही नरेंद्र मोदी शब्द कहा, नरेंद्र मोदी नहीं कहा उसने, नरेंद्र मोदी कहा, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने ये पूछा ये क्या है नरेंद्र मोदी। तो पत्रकार ने फिर पिन किया कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर आ रहे हैं क्योंकि वो दावा कर रहे हैं, तो कहा अगर आना है तो आए। लेकिन लालू ये शब्द कहते हुए बहुत नाराज दिख रहे थे, उदास भावुक भी दिख रहे थे और बेहद फ्रस्ट्रेटेड नाराजगी उनकी दिखाई पड़ रही थी उनके चेहरे पर। सवाल यह है कि दिल्ली आने से पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा कुछ कहने की कोशिश की है वो इंडिया अलायंस के अंदरूनी हालात को बता रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये जान लीजिए। हालांकि एक सफलता लालू प्रसाद यादव को मिल गई क्योंकि इंडिया अलायंस के कल की बैठक में नीतीश कुमार नहीं आ रहे थे। नीतीश कुमार अपने एक प्रतिनिधि को वहां भेजना चाहते थे और वो दिल्ली में, और उनका नाम भी ललन सिंह है, ललन सिंह को दिल्ली भेजना चाह रहे थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि पूरे रात भर चली बातचीत में लालू यादव ने उन्हें मनाया और ये कहा कि इंडिया अलायंस की इस बैठक में उन्हें चलना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव दबाव बनाने के बाद इसमें लालू प्रसाद यादव को सफलता मिल गई है और बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार कल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। अगर नीतीश कुमार शामिल होते हैं, लालू प्रसाद यादव आ ही रहे हैं, लेकिन अभी शरद पवार, ममता बनर्जी, इन दोनों पार्टियों से कौन आएगा या क्या ये दोनों आएंगे ये स्पष्ट नहीं है और न इन दोनों पार्टियों की तरफ से कोई बयान आया है। रही बात उद्धव ठाकरे गुट की, तो उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंच रहे हैं ये खबर भी है। उमर अब्दुल्ला के आने की भी खबर है और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती भी स्वयं इस बार यहां पर आ रही हैं और इस अलायंस के बैठक को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुद्दा क्या है? दो ही मुद्दा है, सीट शेयरिंग होनी चाहिए और 2024 के पहले क्या रणनीति होनी चाहिए इंडिया अलायंस की, एक संगठन के रूप में, एक घटक दल के समवेत एक पार्टी के रूप में, तो इस पर विमर्श होगा। विमर्श की शुरुआत कौन करेगा? तो अब हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो अभी तक एक अघोषित कन्वेनर की भूमिका में थे, बताया ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को उनके उम्र और अनुभव के हिसाब से और एंटी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक माहौल बनाने में उनकी भूमिका, पहले की भूमिका को देखते हुए उन्हें इस बार बाकायदा कन्वेनर बनाया जा सकता है। हालांकि ये खबर अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस अंदाज में कहा, पहले तो वो नरेंद्र मोदी पर नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने कहा दिल्ली जा रहे हैं हम सब, बैठेंगे और देखिएगा इस बार
हम सब कुछ तय कर लेंगे और नरेंद्र मोदी को 2024 में हराएंगे। खैर, विपक्षी दल के और एक घटक के बड़े नेता हैं, उनका ये बयान समझा जा सकता है। विपक्षी नेता होने के नाते वो बयान ऐसा नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार सब कुछ तय हो जाएगा। सवाल ये है कि तय होना है कि सीट शेयरिंग हो जाए। हालांकि इसी बैठक में सीट शेयरिंग हो जाएगी ये तो कपोल कल्पना है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे भी हम आपको कारण बता चुके हैं। एक बार फिर संक्षेप में बताते हैं, अखिलेश यादव अभी भी जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में और विशेष करके मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनकी तूतू मैमै कमलनाथ से हुई थी, उस नाराजगी को अभी भी अखिलेश यादव अपने मन में रखे हुए हैं। उनको मनाने का काम चल रहा है। अखिलेश यादव ये बयान तो दे रहे हैं कि इंडी अलायंस इस बार पूरी तरह से वजूद में आएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि पीडीए और इंडी अलायंस मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। पीडीए क्या बला है, हमने आपको बताया कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी, ये मुद्दा अब उठा रहे हैं अखिलेश यादव, क्योंकि ये तीन का गठजोड़ बनाएंगे। आदिवासियों में उनकी कितनी पकड़ है ये सहज समझा जा सकता है, लेकिन पिछड़ा और दलित का वो एक आधार दे रहे हैं, दलितों में उनकी कितनी पैठ है ये भी सहज समझा जा सकता है। उनका जो वर्चस्व है वो MY पर है, लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जातीय गणित को भी फिट करने की कोशिश की है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद, उसमें अखिलेश यादव अपने आप को सबसे ज्यादा असहज पा रहे हैं। इसलिए वो सारी ताकत अब उत्तर प्रदेश में झोंकना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के एक एक सीट पर वो जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को वो ज्यादा सीटें दे पाए। अब लालू प्रसाद यादव की भी जिम्मेदारी होगी कि वो कांग्रेस की नैया को खेना चाहते हैं और राहुल को दूल्हा बना करके बाराती बनने की भूमिका वो निभाने वाले हैं, ये तो वो बहुत पहले कह चुके हैं। इसलिए इस बार अगर वो आ रहे हैं तो कन्वेनर की भूमिका उनको दी जा सकती है। इससे तेजस्वी यादव भी खुश हैं, क्योंकि एक तरफ बिहार के राजनीति में तेजस्वी का वर्चस्व बढ़ाना है और साथ ही साथ इंडी अलायंस जो मृत प्राय स्थिति में खड़ा हो गया है, कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बाद एक जगह मान मनोबल होता है तो दूसरे जगह नाराजगी, क्योंकि अभी अखिलेश यादव को कांग्रेस मनाने की कोशिश ही कर रही थी कि बठिंडा में पहुंचकर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने 13 के 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और आने वाले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लिए एक भी सीट न छोड़ने की बात उन्होंने कह दी। अब सवाल यह है कि पंजाब में जहां कांग्रेस सांगठनिक स्तर पर बहुत मजबूत रही है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में 2 से 5 मैक्सिमम 5 सीट देने के लिए अखिलेश की सहमति हो रही है। ऐसे में कांग्रेस करेगी तो क्या करेगी। और बात अगर बिहार की ही करें तो जो लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को दूल्हा बनाना चाहते हैं, अगर जदयू के साथ RJD का गठजोड़ बना रहा तो फिर कांग्रेस को वहां कितनी सीट दी जाएगी ये भी आप सहज समझ सकते हैं। मतलब बिहार में भी कुल मिलाकर के 5 से 10 सीट, वो भी मैक्सिमम, ये अधिकतम 5 से 10 सीट देने की बात सामने आ रही। फिर कांग्रेस लड़ेगी कहाँ। कांग्रेस कुल 400 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और वो लड़ना भी चाह रही है। ऐसा अगर इस अंदाज में वो चुनाव लड़ रही है और इतने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस का तर्क यही है कि अखिल भारतीय स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पार्टी चुनौती दे सकती है तो वो है कांग्रेस। लालू प्रसाद यादव इस बात को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन दबे मन से। ऐसे में कांग्रेस को बड़ी पार्टी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा त्याग करने की रणनीति पर चलना होगा। इसके लिए लालू प्रसाद यादव पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं को मनाएं। बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी मानेंगे या नहीं, लेकिन खड़गे और सोनिया गांधी से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे लालू प्रसाद यादव। इसलिए लालू प्रसाद यादव के ऊपर बहुत सारा कुछ मुद्दा निर्भर करता है और उन्हीं के तेवर पर निर्भर करता है कि इंडिया अलायंस की कल की बैठक सफल होगी भी
या सिर्फ फोटो सेशन के बाद एक बात पर बयान देकर पत्रकारों के सामने कि हम 2024 में मिलकर लड़ेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ भी तय नहीं होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के बाद जिस तरीके से कहा कि इस बार दिल्ली जा रहे हैं, सब कुछ ठीक करेंगे, 2024 में हम मिलकर हराएंगे, मतलब और मायने साफ हैं। कोशिश तो नीतीश कुमार बहुत कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी बाजी लालू प्रसाद यादव मारते नजर आ रहे हैं। और इसलिए दिखावे के तौर पर लालू प्रसाद यादव जिस तरीके की नाराजगी व्यक्त करते हैं, उसके मायने भी और मतलब भी समझिए। और वो ये है कि इंडी अलायंस का भार अब लालू प्रसाद यादव पर लादा जाएगा, और लालू प्रसाद यही चाहते थे। खबर ये भी है कि नीतीश कुमार अगर इंडी अलायंस की बैठक में शामिल हो रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव का दबाव काम में आया। और इस बार लालू प्रसाद यादव नीतीश को ये भी बता रहे हैं कि अगर नीतीश ने आनाकानी की तो आने वाले समय में नुकसान तो नीतीश अपना करेंगे ही, आरजेडी को भी बड़ा नुकसान होगा, और उस स्थिति में आरजेडी अपना नुकसान कभी भी नहीं होने देना चाहेगी। लालू प्रसाद यादव की यही कूटनीति फिलहाल कारगर साबित हो रही है। ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि कल जब इंडी अलायंस की बैठक होगी तो बैठक के केंद्र में कांग्रेस जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन बाजी मारेंगे लालू प्रसाद यादव। हालांकि लालू प्रसाद यादव मोदी के रथ को रोक पाएंगे, इस पर बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर जितना बड़ा झमेला उनके सामने आएगा उसका निपटारा एक बैठक में तो वो कतई करने की स्थिति में है ही नहीं। आपको हमारी खबर और ये जानकारी कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।